कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हमास के आतंकियों की संभावना जताई है और कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, तो कहीं मिली वगैरह ऐसा है। इन लोगों को केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी जो जो संयम होना चाहिए, और जो आपकी तो सारी संस्थाएं आपके हाथ में हैं, तो आप पहले यानी कोई जांच करे, और कोई कोई मंत्री इम्पोर्टेंट मंत्री कोई बयान देने लगे तो जांच निष्पक्ष हो सकती है। ये देनी नहीं चाहिए, लोग कोई ये देश के हित की बातें नहीं कर रहे। तो जिस तरह से अभी आज सरदार पटेल की जयंती पर आपको क्या लग रहा है कि सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या उनके सरदार पटेल के रास्ते पर चलते तो देश में सोने का हो गया होगा दोबारा होता। वो बहुत बड़े आदमी थे, उनसे किसी की अब तुलना नहीं की जा सकती। सरदार पटेल के पैर की धोवन के बराबर लोग नहीं हैं आप। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी पीडीएस साइकिल यात्रा निकाली, उसके लिए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2024 में वोट डालने के बराबर कुएं में वोट डालने के बराबर है। किसने कहा है? केशव प्रसाद मौर्य ने अभी बयान आया। ऐसा है, जो बुद्धिहीन लोग होते हैं इसी तरह की बात करते हैं। पीडीए आपकी साइकिल यात्रा निकल रही है आज, आप किस तरह का पीडीए इंडिया को मजबूत करने के लिए, ये आपने नहीं देखा नीचे ये भी लिखा हुआ है, छात्रा की मौत हो गई थी लूटपाट। ऐसा है कि इस राज्य में महिलाओं का जीना दूभर हो गया है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। कुछ लोगों को केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ अधिकारी जो घेरे हुए हैं वो लगातार गलत सूचनाएं देते हैं, उनको असलियत तक जाने ही नहीं देते हैं। उसके आरोपी का एनकाउंटर भी हो गया आज, ढेर हो गया। अब देखिए, एनकाउंटर तो सब फर्जी हो रहे हैं, लेकिन अब जो हो गया अगर सही आरोपी है तो ठीक है, लेकिन एनकाउंटर कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को पकड़ के मार दिया जाए तो वो हत्या है, वो भी आजम खान ने अपनी जान को खतरा बताया है। वो सही कहा है, आजम खान के साथ जितना अन्याय हो रहा है कभी किसी पॉलिटिकल आदमी के साथ नहीं। तो क्या लग रहा है एनकाउंटर हो सकता है क्या? किन का? आजम खान का एनकाउंटर होगा तो देश में क्या होगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते।